सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की सरलतम साधना योग साधना के क्रम में हम अभी कल जो आपको बताया था उसको रिपीट करके, कल जो गरुड़ आसन बताया था आपको उसको रिपीट करके आगे गवासन जो है उसकी तरफ चलते हैं। वाकई में दुनिया में सबसे सरलतम स्वस्थ रहने की साधना जो है वो योग साधना के अलावा दूसरी कोई साधना नहीं है। योग साधना, प्राणायाम, सूक्ष्म योग क्रियाएं, ध्यान, ये सब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो उसके लिए हम त्रिस्तर के तीनों स्तर पे हम स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और आत्मिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं। और मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमको मेंटली तनाव नहीं रहेगा। तनाव नहीं रहेगा तो किसी तरह के बीपी और इसकी शिकायत भी नहीं होगी। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मोटापा नहीं रहेगा। मोटापा नहीं रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो जैसे हमारे लिए बीपी वगैरह की समस्या हो जाती है, शुगर की समस्या हो जाती है, ये समस्याएं नहीं होगी। ये तो है ही, योग साधना तो महत्वपूर्ण है ही, मगर उसके साथ साथ में जैसे डॉक्टर बुखार हो जाए कोई तो उसके बुखार उतरने की दवा तो देते हैं, पैरासीटामोल वगैरह, मगर उसके साथ साथ में एंटीबायोटिक डोज दे देते हैं। तो उसी तरह से योग साधना तो स्वस्थ रहने के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, मगर उसके साथ साथ में हमारा आहार विहार और निहार खान पान, ये सारा हमारा आचरण व्यवहार, ये सब सही हो तो वो एंटीबायोटिक डोज है तो वो हमारा योग साधना वो काम करने लग जाएगा, पैरासीटामोल काम करने लग जाएगी। तो इस तरह से एंटीबायोटिक डोज टाइप का है, उससे दुगुना फायदा हमको हो जाएगा। तो ये हमारा दोहरा स्तर पे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तीसरे स्तर पे मान लीजिए आत्मिक स्तर पे। और इससे आप तनाव मुक्त रहेंगे तो कई दवाओं से आप दूर रहोगे और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। बढ़िया है, जहाँ तक हम मतलब स्वस्थ रह सके हमारे प्रयासों से तो वहाँ तक प्रयास करना चाहिए। जहाँ हमारे प्रयास कम पड़ जाते हैं या जहाँ हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होता वहाँ निश्चित तौर पे हमको मतलब चिकित्सकों की या डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है तो ज़रूर उनकी सहायता लेनी चाहिए। मैं एक पक्षीय कभी भी मतलब कोई बात नहीं करता, मगर ये हमारे हाथ की बात है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें योग साधना के माध्यम से। आइए चले चलते हैं। कल मैंने आपको गरुड़ आसन बताया था, एक बार उसको बता करके आपको ये करता हूँ। देखिए, मैंने पहले कल बताया था कैसे बैठना है, पिछला पैर भी आपको बताया था कैसे रखना है, और ये दूसरा पैर जो है यहाँ पे रखना है। ये दोनों हमारे घुटने हैं वो एक लाइन पे रहेंगे, ये ध्यान रखना है, दोनों घुटने एक लाइन पे रहेंगे। और उसके बाद में हम ये हाथ यहाँ से ले लिया और ये यहाँ पे ले लिया, नमस्कार करेंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। ये अब फिर हम दूसरा पैर बदल लेंगे, ये देखिए दूसरा पैर ले लेंगे, इसी को दूसरे पैर से करेंगे। इसमें भी जब हम आसन लगाते हैं उस वक्त हमको रेचक क्यों करना होता है, सांस क्यों निकालनी होती बाहर, क्योंकि उससे हमारा पेट नीचे चला जाता है और आसन बनाने में बहुत आसानी होती है। और उसके साथ साथ में हमारी कैपेसिटी कितनी है सांस रोक करके रखने की वो भी डेवलप हो जाती है। चलो ये इस तरह से हम ये करेंगे, ये दोनों घुटने एक से रहेंगे और फिर हम अब इसको ये उल्टा ले लेंगे। ये गरुड़ आसन है, बहुत सारे फायदे हैं हमारे पीठ के, रीढ़ के, हड्डी के, कंधों का एक्सरसाइज हो जाता है, ध्यान एकाग्र रहता है। इसके बाद में गवासन, अब गरुड़ आसन के बाद में गवासन के लिए हम चलते हैं।
तो सबसे पहले ये पैर इधर ले लेंगे और ये पैर इधर ले लेंगे, दोनों के घुटने सही होंगे। फर्क क्या रहा है इसमें, मतलब आसन की बैठक में क्या बदलाव आ गया है गरुड़ आसन में, इसमें दोनों में एक बैठक नहीं है। गरुड़ आसन में हमारा एक पैर यूं था और गवासन में हमारा दोनों पैर जो है ऐसे इस पोजीशन में आ गए, देखिए, और दोनों घुटने बिल्कुल लाइन पे, ये ध्यान रखना। अब इससे क्या हो रहा है कि ये मेरे कमर के पास की जो मसल्स है पूरी पूरी, और ये घुटने की और यहाँ तक की मसल्स है, उसमें स्ट्रेस हो रहा है, उसमें तनाव बैठ रहा है। अरे ये सब हमारे लिए बहुत बढ़िया है, कमर के लिए भी है और घुटने के लिए भी है। यहाँ के मसल जो है हिप के पास में और यहाँ तक, वो भी मसल्स, मतलब ये हो रहे हैं। और गवासन के बाद में ये आसन, ये हम पोजीशन बनाएंगे और उसके बाद में धीरे धीरे सांस निकालते हुए हम क्या करेंगे, ये दोनों हाथ पीछे से यूं लेंगे। देखिए आप पीछे के क्या कंडीशन हो जाती है, ये देखिए, उसको गवासन में जैसे गाय का मुंह होता है ना, ये गाय का मुंह होता है और ये ऊपर जो हमारी कोहनी जा रही है वो गाय का सींग है, तो इस तरह से हमारी पोजीशन बन जाएगी। आए ध्यान में, फिर 10 20 30 सेकंड जितना आपसे बन पड़े उतना उसमें स्टेबल रह करके आप मतलब उसको छोड़ देंगे। ये पीछे वाली पोजीशन, अब पीछे से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया हाथ की पोजीशन क्या होती है। जैसे हमने गरुड़ासन में दोनों पैरों में ये किया था आसन, उसी तरह से इसको भी करेंगे, ये देखो। अब फिर बाद में हम मतलब उसका हाथ बदल करके वही मतलब दोनों इससे पकड़ लेंगे और गोमुख जो रहता है गाय का मुख, इस तरह से उसको दोनों हाथों की उंगलियों में फंसा लेंगे, ये इस तरह से। जब हम यहां से पकड़ना शुरू करेंगे, जब हमारा सांस निकलना चाहिए बाहर, जैसे और ये जो हमारी कोहनी ऊपर जा रही है वो गाय के सींग जैसी, पीछे से हमारा जो इस तरह से ये बन रहा है तो वो गाय का मुंह जैसा हो जाता है, देखो ये। तो इस तरह से हमारा जो है गवासन अपने आप में महत्वपूर्ण है। उससे क्या फायदा है हमको गवासन में, हम जो यूं पकड़ते हैं तो ये कंधा और इस साइड की जो पूरी हमारी पसलियां है, वो सो मसल है, उसमें ट्रेस आता है। साथ साथ में हमारा जो ये आसन होता है ऐसे, तो ऐसे करके जब हम मतलब गवासन लगाते हैं तो यहाँ तो स्ट्रेस हो रही रहा, मगर साथ साथ में जिधर से हम ये इस कंधे पे प्रेशर आ रहा है और इस कंधे को भी पीछे से हम जा रहे, तो दोनों कंधों के लिए बहुत फायदेमंद है। उल्टा करेंगे तो इस कंधे पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और यहाँ बोन कॉलर में जो हमारे परेशानियाँ हो जाती है, पेन होता है, कई बार बोन कॉलर में हमारे बहुत ज़्यादा पेन होता है और बोन कॉलर के नीचे ये जो मसल्स है हमारे, ये भी मतलब हमारे आकड़ जाते हैं, तो हाथ हिला नहीं जाता। कई लोगों के कंधा इतना जाम हो जाता है, इतना पेन हो जाता है कि वो हाथ हलचल नहीं कर पाते, उसमें हिला नहीं सकते, तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। कठिन है, जितना बन सकता है उतना कीजिए, मगर नहीं करने से थोड़ा करना अच्छा, थोड़ा करने से ज़्यादा करना अच्छा। नहीं करोगे, ये दे एक और आपको बता रहा हूँ, ये आपके स्वास्थ्य का लक्षण है, बैठे बैठे पसीना आ जाए तो ये समझ लेना कि अपना स्वास्थ्य गड़बड़ है, और मेहनत करके पसीना आ जाए तो ये समझ लेना कि अपना स्वास्थ्य बहुत सुंदर है। मेहनत करके पसीना आ जाए जो आपके फायदे में रहेगा, और बैठे 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 ठाले आराम करते करते पसीना आ जाए वो आपके लिए नुकसानदायक है। ये सूत्र जीवन का है, ध्यान रखिए, निरंतर जितना बने उतना योगासन कीजिए, योगा कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।